बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो यहाँ पे लगी हुई थी बेल कद्दू की, उसके ऊपर कद्दू लगे हुए, एक थोड़ा सा बड़ा है, दो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं अभी। और यहाँ पर था लेमन का पौधा, जिसको इस बेल ने पूरा जो है ना बेचारे को ख़राब करके रख दिया है। ये बेल जो होती है ना कद्दू की, बहुत ज़्यादा फैलती है, हर चीज़ के ऊपर लिपट जाती है। तो यहाँ पे एक और बेल है कद्दू की, और ये ऊपर चढ़ गई है, ऊपर डंडे के ऊपर जा रही है ऊपर वाली साइड पे। और यहाँ पे जो है वो करेले की एक ही बेल है, और इसके ऊपर एक करेला लगा हुआ है। पिछली दफ़ा इस पे 3-4 करेले लगे हुए थे, लेकिन वो फिर पक के ख़राब हो गए। तो यहाँ पे ये अंजीर के जो हमारे पास 2 पौधे हैं, तो ये एक छोटे वाला है एक बड़े वाला है, इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी अंजीर लगी हुई है। लेकिन इसकी पहली जो अंजीर लगी है ना माशाल्लाह से, ये देखेंगे इतनी मतलब काफ़ी बड़े साइज़ की है। इसके ऊपर पहली दफ़ा मैंने इतनी बड़ी लगी हुई देखी है, तो पहले तो छोटी छोटी लगती थी, लेकिन ये देखें, और ये माशाल्लाह से ये बिल्कुल पकी हुई है, और इसका अच्छा खासा बड़ा इसका साइज़ था। और दूसरा पौधा ये है, ये दोनों लगे तो इकट्ठे थे, लेकिन एक जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पकी हुई हैं। तो ये इस तरह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना हैं लगी हुई, जो पक चुकी हैं। और जी यहाँ पे हैं कुछ ये पैरट्स, हाँ ये ऑस्ट्रेलियन तोते जिसको कहते हैं ना वो हैं, और ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो ये पेयर था ग्रीन, और जो था ये ग्रीन कलर नहीं येलो कलर का, और वाइट थोड़ा सा उसके ब्लू पर थे, ये पेयर था। तो इनके जो आगे बच्चे हैं ना वो सारे के सारे जो है वो बस सेम कलर में ही हैं, वाइट है या फिर येलो है, ग्रीन है या फिर थोड़े से ब्लू और वाइट मिक्स है, ग्रीन और येलो मिक्स है, बस ये इनके ना 3-4 कलर हैं। और अब इन्होंने ना इन काफ़ी सारे अंडे दिए हुए, और उनमें से बच्चे भी निकले हुए, और ये नीचे भी एक और जो है वो पोर्शन है इन्हीं का, ये उसमें भी हैं। तो ये भी ना काफ़ी डर रहे थे, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो उड़ रहे थे डर के मारे ना, इधर उधर उड़ जा रहे थे। तो जी यहाँ पे बनाने वाली थी मैं सवैयाँ, ये सवैयाँ जो है ना ये हाथ की बनी हुई हैं, हाथ से बनाई गई हैं, और इसको पोटा सवैयाँ भी कहते हैं। ये मैदे की और आटा मिक्स करके कुछ इसी तरह से ही बनती हैं, और ये जो है वो मेरी सास अम्मी ने बनाई हैं, और मेरी बेटी ने इसमें कह के कलर भी डलवाया था, लेकिन वो कलर थोड़ा सा ना लाइट कलर रह गया, और जब वो सूखी ना तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो कलर ख़त्म हो गया, बिल्कुल लाइट सा कलर रह गया उसके अंदर। तो जो है अब इसको पकाने का तरीका ये है कि आपने इसको ड्राई जो है ना इसको रोस्ट कर लेना है, इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। तो हल्की सी आंच पे आपने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से
रोस्ट करना है ताकि इसका जो कलर है वाइट कलर से थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ जाए। तो ये इस तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, रोस्ट करना है इसको। तो इसके नीचे जो है ना वो आटा होता है, इसको आटे की बनी हुई होती हैं, तो वो जो आटा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा होता है ना वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा जलना शुरू हो जाता है इसके अंदर कढ़ाई में। तो आपने जो है ना वो बस उसको हलाते रहना है और थोड़ा सा इसमें फिर ऑयल ऐड कर देना है। तो ऑयल ऐड करने के बाद भी आपने इसको फ्राई करना है, फ्राई इतना करना है वही बात कि इसका कलर जो है ना वो ब्राउन हो जाए, ताकि इसका कच्चा पानी कच्चा टेस्ट जो इसमें आता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसको फ्राई करते हुए जब इस स्टेज पे आ जाए तो इसके अंदर 2 से 3 इलायची उनका थोड़ा सा उनको खोल के इसके अंदर डाल दें और इसमें पानी डाल दें। पानी आपने इस हिसाब से डालना है कि ये अच्छे से गल जाएं, क्योंकि इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, पानी भी ज़्यादा लगता है इनको, तो इस वजह से आपने पानी उसी हिसाब से डालना है। तो पानी डालने के बाद इसमें मैंने किशमिश धो के रखी हुई थी वो डाल दिए और साथ में इसमें डाल दिए चीनी। चीनी जितनी सेवैयों के हिसाब से आपने डालनी है या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाना मीठा पसंद करते हैं, कुछ कम, तो उसी हिसाब से आप इसके अंदर मीठा ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक के लिए हल्की आँच पर पकाएँगे और ये देखें ये कितनी अच्छी जो है ना वो पकना स्टार्ट हो गई है। लेकिन एक बात है, जो इसके अंदर हमने पिंक कलर की सेवैयाँ डाली थी ना उसको, तो जो फ्राई करते हुए इनका कलर जो है वो सेम हो गया, पकते हुए तो बिल्कुल भी जो है ना वो पता नहीं चल रहा है कि इसमें पिंक कलर भी था। तो यहाँ पे जी ये हो गए हैं बिल्कुल दम देने वाली, और इनको दम लगाना है बिल्कुल वैसे ही लगाना है जिस तरह हम चावलों का दम लगाते हैं, उस तरह से ही इसको दम लगा के बकायदा 10-15 मिनट के लिए रखना है। तो ये देखें यहाँ पे जो था हमारी ये सेवैयाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अभी थोड़ी सी गर्म है तो इस तरह से लग रही हैं, थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो ये बहुत मज़े की जो थी वो सेवैयाँ बनी थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ये देखने में जो है वो बहुत मज़े की लग रही है, तो खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो यहाँ पे जी रात का टाइम था और ये साथ जो है मेरे भाई का घर, उसके मैंने गैराज में देखा कि बिल्ली बैठी हुई है और उसके पास साथ 3 बच्चे हैं और ये बिल्ली यहीं पे रहती है इनके घर ही। तो जब मैं उनकी वीडियो बना रही थी ना तो बिल्ली ऐसे अलर्ट हो गई और ऐसे मुझे वो डराने वाली आवाज़ निकाल रही थी। और बच्चे हालांकि छोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है वो माँ को ये था कि कहीं मैं उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ, कोई मतलब इस तरह से वो ऐसे अपने बच्चों को जो है ना वो हिफाजत कर रही थी। तो अब जो है ना वो बच्चों को लेके जा रही है जिधर वो लोग रहते हैं। तो ये 2 चले गए थे, एक उधर ही बैठा रह गया। तो जो है ना वो मैं पास भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रही थी कि कहीं बिल्ली जो है ना वो ना काटना शुरू कर दे, और दूसरा वो खुद भी डर रहा था। तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये वॉशरूम के साथ जो है ना वो एक थोड़ी सी जगह खाली है, उसमें ये बेल वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ पे जगह खाली है तो ये यहीं पे रहते हैं। ये देखिए एक छोटा बच्चा देख भी रहा है, तो यहीं पे रहते हैं, खाना पीना खा के ना यहीं पे आ जाते हैं फिर से। तो जो है ना ये सारा कुछ इन्होंने फैलावा जो है ना ये फैलाया हुआ, इन्होंने ये लगे रहते हैं, और जो बाइक की सीट होती है उसको भी ख़राब किया हुआ है। तो ये देखें जी यहाँ पे वो अपने घर चले। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कर सबको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।